नमस्कार, जय श्री राम। क्या आप धन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप शारीरिक व्यथा आदि से परेशान हैं? क्या आप मानसिक व्यथा से परेशान हैं? क्या आप खूब सारी दवाइयां करवा रहे हैं तब भी आपको दवाइयां असर नहीं कर रही हैं? तो इन सभी समस्याओं का इलाज हमारे भारतीय ज्योतिष परंपरा में है। भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार हम आप अपने तन, मन, धन और पारिवारिक की तरीके से शुद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर शुद्धि का आशय कष्ट के निवारण से है। यदि हम मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, या धन की कमी आदि से परेशान हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पंडित जी धन तो बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, इन सब का जो अभिप्राय है ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में ही छुपा होता है। इसलिए हमें अपनी कुंडली के अनुसार इस सब का उपाय करवाना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहिए या दिखवाना चाहिए। यदि आप कहीं दिखवा सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपकी कुंडली का अंतिम अक्षर तक फलादेश सटीक तरीके से करेंगे। तो आइए आज हम ज्योतिष के विषय में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष सबसे पहले हमारे जीवन में क्या महत्व करता है, हम आप इस विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्योतिष के अनुसार हम अपनी भूत, भविष्य और वर्तमान की गणनाओं का समेक्षण कर सकते हैं। हमारे भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब की गणनाएं हम ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जैसे कि मैंने पहले से ही आपको सूचित किया, यदि आप मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आदि तरीके से परेशान हैं, इनका आप आज हम सूक्ष्म रूप से उपाय बता रहे हैं। कहने के लिए उपाय तो कई प्रकार से होते हैं, अपने अपने मत के अनुसार सभी लोग अपना अपना उपाय बताते हैं, स्वाभाविक बात। यदि सटीक उपाय की बात की जाए तो सटीक उपाय इसमें केवल विशेष तौर पर एक है, हमारी दिनचर्या। यदि हमारी दिनचर्या सही है तो सभी ग्रह हमारे ऊपर सही रहेंगे। सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, बुध बहन का कारक होता है, मंगल बड़ा भाई या बड़े भाई जैसों का कारक होता है, बृहस्पति गुरु और गुरु तत्व समीप, उनके जैसे गुरु जैसे समीप के स्थान वाले के कारक होते हैं, शुक्र पत्नी और सुंदर कन्या का कारक होती है, शनि हमारे घर पे नौकर आदि का कारक होते हैं, राहु और केतु ये विकलांग या नेत्रहीन व्यक्तियों का कारक होते हैं या शारीरिक रूप से ग्रसित लोगों का कारक होते हैं। इसलिए हम यदि इनका सही तरीके से मान सम्मान और सेवा करें तो नवग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा कि मैंने आपको दिनचर्या के विषय में बताया, हमें प्रातः काल शीघ्रातिशीघ्र उठ जाना चाहिए। सबसे पहले प्रयास तो यही करना चाहिए सूर्योदय के पहले उठे, नहीं उठ पा रहे हैं तब भी वर्तमान के घड़ी के समय अनुसार 5 से 5:30 के बीच में सभी लोग प्रातः जल्दी ही उठ जाए। तत्पश्चात अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें और स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें। भगवान सूर्य को अर्घ देने का सबसे अच्छा सरल उपाय है तांबे के लोटे में, जिसे पूजा का लोटा भी कहते हैं, ऐसा तांबा का लोटा होता है, उस पर आप सामान्य जल में थोड़ा सा हल्दी, रोली, गुलाब जल, ये 3 चीज डाल लें। यदि इसके अलावा और कुछ ऐड कर सकते हैं आप तो गंगा जल और लाल पुष्प का भी आप ऐड कर सकते हैं। यह सब कुछ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने का सबसे अच्छा तरीका है हम अपने हाथ को इस तरीके से उठाएं और ऐसे जल डालें ताकि हमारे वो जो जल गिरे हमारे नाक के सिर से ही गिरता चला है। ध्यान रहे, स्मरण रहे, वह जो जल गिर रहा है उसका छींटा हमारे पैर में ना पड़े, इसलिए प्रयास करें कुएं में दें या गमले में दें या दीवार से सटा के दें ताकि वह जो जल नीचे अर्घ का नीचे गिर रहा है वह हमारे शरीर में खासकर हमारे चरणों तक ना पहुंच पाए, पहली बात। दूसरा, जब आप अर्घ देंगे उस समय यदि आपसे गायत्री मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य भगवान के बीज मंत्र का जापन आप कर सकते हैं। सूर्य भगवान का बीज मंत्र बहुत सरल और सटीक है। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह भगवान सूर्य का बीज मंत्र है। यह भगवान सूर्य का बीज मंत्र आप भगवान को अर्घ देने के पश्चात 11 बार जापन कर सकते हैं। 11 बार आप उंगली से ही गणना कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके 11 बार आपको गणना करनी है। इसके बाद 4 प्रदक्षिणा करके जहां जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं उसी स्थान पर भगवान सूर्य की, ऐसा माने कि हम आप भगवान सूर्य की 4 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा के पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें और अपनी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें भगवान सूर्य से। तत्पश्चात यदि आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा है
मूर्ति है या चित्रपट फोटो आदि है तो भगवान के समक्ष बैठ करके तिल का तेल या घी के तेल का दीपक जला करके आप श्री हनुमान चालीसा का पाठन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सरल और सुंदर व्यवहार तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रायः यह ध्यान में रखना चाहिए कि संख्या पूरी हो ये जरूरी नहीं है, क्वालिटीज पूरी होनी चाहिए। कई लोग माला जाप करते हैं, आज हमने 11 माला जाप किया, 15 माला जाप किया, 100 माला जाप किया, 108 माला जाप किया, तो क्या आपको उस जाप का पूर्ण रूप से प्रताप या फल मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने संख्या पर ध्यान दिया। हम जिसके लिए जाप कर रहे हैं, जिस देवता के लिए जाप कर रहे हैं, क्या आपने मन में उस देवता का स्मरण किया? जी नहीं। इसी कारण से हमको आपको फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हम संख्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने के लिए कहेंगे और ना ही आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी संख्या पर विशेष ध्यान ना दीजिए। आप संख्या की बजाय अधिष्ठात्र देव पर ध्यान दीजिए तो आपका माला जाप करने का परिपूर्ण फल जरूर प्राप्त हो। जैसा कि आप श्री हनुमान जी का चालीसा का पाठ करेंगे तो हाथ जोड़ करके, आंख मूंद करके श्री हनुमान जी का स्मरण करेंगे, राघव जी का स्मरण करेंगे। यदि आपसे हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है, याद नहीं है, तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मन में, हृदय में श्री सीता, रामचंद्र, भगवान श्री हनुमान जी का ही चिंतन चलते रहना चाहिए। ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत ही शुद्ध आदि विचार धारा से रहें, आपको इसका प्रताप एक महीने में ही जरूर दिखने लगेगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। आशा करते हैं आप लोग यह उपाय करेंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जय जय श्री सीताराम।